हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं हैंगिंग आउल। बहुत ही इजी है बनाने का तरीका, बहुत कम पैसे में ये बन जाता है। इसको बनाने के लिए हमने लिए है वॉल पुट्टी। वॉल पुट्टी भी किसी भी हार्डवेयर शॉप में आपको मिल जाएगी। बाकी कुछ भी इसमें मिक्स नहीं करना है, सिर्फ हमें लगती है उतनी ही वॉल पुट्टी लेनी है। वॉल पुट्टी में हम अभी पानी मिलाने वाले हैं, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके हमें डालना है, जिस तरह से हम आटा गूंद लेते हैं। थोड़ा सा मिक्स करना है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डालना है इसमें हमें। अच्छा डो बना लेना है, सॉफ्ट, बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल लगा के हाथ को उसको अच्छे से मैश कर लेना है। डो के अंदर वायर डाल के उसको बेंड कर लेना है कुछ इस तरह से। थोड़ा सा डो लेके उसको बेल लेते हैं, पानी लगा के थोड़ा सा रैप कर देते हैं इस तरह से। थोड़ा थोड़ा पानी लेके उसको अच्छे से लगाना है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी। इसी तरह से हमें पूरी बॉटल को कवर करना है। एक तो आप बेल के भी ले सकते हैं या फिर हाथों से भी उसको बना के उसके ऊपर रैप कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी लगा लगा के आपको करना है। कंप्लीट होने के बाद में इसको सूखने देना है। अच्छे से सूखने के बाद में फिर आगे का वर्क उस पे ऊपर करना है। हमेशा याद रखना है कि पूरा सूखने देना है। अभी हम कुछ बीड्स बना लेते हैं। इस तरह से छोटे छोटे गोल राउंड शेप में हमें करना है बीड्स, और किसी भी तार मेटल वायर से उसको होल कर लेना है। कुछ इस तरह से हमें डाल के रेडी करना है। एक एक करके हमें ये बनाना है। फूल वाला शेप अभी बन के रेडी है, उसके ऊपर थोड़ा हम डिटेलिंग कर लेते हैं। उसके लिए हमने एक कैप ली है, पेन की कैप से हम ये करने वाले हैं, पैटर्न बना लेंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा गीला ही चाहिए। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और बेल आइकन को क्लिक करिए ताकि आने वाले सारी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। इस तरह से हमें पैटर्न कंप्लीट करना है। दोस्तों, ये वॉल पुट्टी बहुत ही सस्ती होती है, 10-20 रुपए तक मिल जाएगी आपको किसी भी हार्डवेयर के शॉप में। अभी हमें आउल का फोरहेड बनाना है, तो उसके लिए कुछ इस तरह से हमें शेप बनाना है। बिल्कुल पेटल की तरह से इसको बना लेना है दोनों साइड से। इसको सिर्फ और सिर्फ पानी की हेल्प से इसको चिपकाना है। किसी भी ग्लू की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें पानी यूज़ करना है। यहाँ पे अच्छी तरीके से उसको चिपकाना है, पानी की हेल्प से ही ये करते रहना है। पानी लगा के ही इसको सॉफ्ट बनाना है। बहुत इजी है दोस्तों, ये करके देखना है आपको, आप भी ट्राई कर सकते हैं। बहुत सुंदर लगता है जब बन के होता है, रेडी होता है ये। यहाँ पे आंखें बनाने के लिए मैंने एक फेविकॉल की कैप ली है, उसकी हेल्प से मैं इसकी आंखें बनाने वाली हूँ। अगर आप चाहे तो दूसरी कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं।
पे मैंने तार की हेल्प से उसके ऊपर डॉट्स बना लिए हैं आंखों के ऊपर। इस तरह की डिजाइन आपको दोनों साइड में कर लेनी है। थोड़ा सा सूखने के बाद में इसके ऊपर दूसरा वर्क करना है। इसके लिए जो आप डो बनाते हो उसको हमेशा गीले कपड़े से ढक के रखना है और थोड़ा फास्टली आपको काम करना पड़ेगा। जो वॉल पुट्टी है ये जल्दी जल्दी के ऊपर और डिटेलिंग करने के लिए मैंने यहाँ पे पेन कटर का यूज किया है। हमें इसके विंग्स बनाने हैं, उसके लिए कुछ इस तरह से आपको शेप बनाना पड़ेगा और इस तरह से चिपकाना है पानी के हेल्प से। बहुत ही धीरे धीरे से उसको अच्छे से प्लेन करना है, चिपक जाएगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये बताने के लिए मुझे आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, तभी जाके आप कमेंट कर पाओगे। तो हमेशा याद रखना है कि वॉल पुट्टी का वर्क करते समय आपको बार बार हाथ वॉश करने पड़ेंगे। दोनों भी विंग्स हमारी अभी रेडी हो चुकी है। अभी हम उसके ऊपर डिटेलिंग करते हैं, थोड़ा इस तरह से पैटर्न हम विंग्स के ऊपर निकाल लेते हैं। नीचे की साइड में बेल बनाने वाले हैं, तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा डो लेके कुछ इस तरह से शेप बना रही हूँ, जो बेल का शेप हमें यहाँ पे बनाना है। यहाँ पे आप किसी भी टूल का यूज कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा सूखने के बाद में इसके ऊपर हम डिजाइन करेंगे। सूखने के लिए मैंने फेविकॉल की जो सिलेंडर शेप वाली जो बॉटल रहती है उसके ऊपर मैंने रखा था, तो उसके पहले मैं एक मेटल वायर से ही उसको होल कर लूंगी।
इस बेल को अभी मैंने फेविकॉल की जो बॉटल आती है उसके पीछे से मैंने इसको रखा है और अभी इसके ऊपर हम डिज़ाइन बनाएंगे। इसी पेन कटर की हेल्प से मैं इसके ऊपर ट्रायंगल बनाने वाली हूँ नीचे की तरफ से, कुछ इस तरह से। अगर आपके पास में पेन कटर नहीं है तो सादा कटर भी चल जाएगा, अगर वो भी नहीं है तो आपके पास में स्केल है तो स्केल का यूज़ यहाँ पे आराम से कर सकते हैं। डिज़ाइन बनाने के लिए आप किसी भी टूल का यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे फेविकॉल की जो कैप होती है उसके कैप से मैंने यहाँ पे डिज़ाइन बनाई है, इस तरह से डॉट्स निकाल लिए हैं। चाहे वैसे डिज़ाइन आप यहाँ पे बना सकते हैं। हमारे हमारा आउल भी रेडी है कलर करने के लिए। आपको जो कलर चाहिए वो कलर आप यहाँ पे कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे फैब्रिक कलर यूज़ किए हैं, कलर आप कोई भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने पिंक, डार्क पिंक, लाइट पिंक का यूज़ किया है। आई होप कि मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हो। अगर जिन्होंने मेरा चैनल और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूले, और साथ में कमेंट्स भी मुझे भेजते रहिए। कलर की हेल्प से अभी हम आगे की डिटेलिंग कर लेते हैं। कुछ इस तरह से हमें आंखें बनानी है। पूरा कलर होने के बाद में उसको अच्छे से सुखाना है, और सुखाने के बाद में आप वार्निश कर सकते हैं। हमारा आउल रेडी है,
वार्निश करने के लिए, तो हम उसको वार्निश कर लेते हैं। वार्निश आपको ऑनलाइन भी मिल जाता है और हार्डवेयर की शॉप में भी मिल जाता है, मैंने लोकल शॉप से ही लिया है। वार्निश करने के बाद में ये जो चीज़ें होती है बहुत दिन चलती है, इसके ऊपर किसी भी चीज़ का असर नहीं होता है। अगर आप आउटडोर रखना चाहते हैं तो इसको आपको डबल कोट लगाना पड़ेगा। मैंने बेल के अंदर का हिस्सा रेडी कर लिया है, उसके अंदर जो तार था मैंने उस इस तरह से कुछ टाई किया है, अभी बचा हुआ उसको काट लेते। मैंने पक्का मजबूत ऐसा एक कॉटन थ्रेड लिया है जो मैंने यहाँ पे डबल कर लिया है अच्छे से, जैसा चाहे आप बना सकते हैं, मैंने कुछ इस तरह से लिया है। अभी उसको हम इस तरह से बांध लेते हैं बेल के अंदर के हिस्से को। हमारे बीड्स भी सूख के रेडी हो चुके हैं, तो हम उसको कुछ इस तरह से बेल के अंदर पहले थ्रेड डाल लेते हैं। में थोड़े छोटे होल वाले बीड्स डालने हैं, तो उसके लिए हम कुछ इस तरह से फेविकॉल लगा के ये जो हिस्सा है थ्रेड का उसको अच्छे से शार्प कर लेते हैं। कुछ इस तरह से वो हमें काम में आता है। अभी इसको मैंने टाई करने के लिए एक छोटी सी रिंग ली है और उस रिंग को मैं अभी इसको बांधने वाली हूँ। इस तरह से हमारा वॉल हैंगिंग रेडी हो चुका है, आप इसको कहीं पे भी हैंग कर सकते हैं, बहुत सुंदर दिखता है। अगर आप आउटडोर भी रखते हो, इंडोर भी रखते हो, तो अच्छा लगेगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाय।